जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं आपके बारे में एक रोचक जानकारी लेकर, एक बहुत रोचक उपाय लेकर, जिस उपाय के बारे में जानने के लिए आप सभी प्रतीक्षा करते हैं और मुझसे बारंबार कहते हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसा साधारण और सरल सा उपाय बताएं जिससे कि हम जो कन्या लग्न वाले व्यक्ति हैं, जिनकी जन्म कुंडली में हमारी कन्या लग्न, तो ऐसे व्यक्ति ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उनकी काया कल्प हो जाए, लक्ष्मी जी का वास उनके घर पर सदैव बना रहे। तो यह परंपरा निरंतर चलती रहे, तो आप इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मेरे प्यारे साथियों, जब हम चर्चा कर रहे हैं कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के, कि कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी सदैव उनके खजाने में, उनके धन के भंडारों में, उनकी तिजोरियों में वास करें, कुबेर जी महाराज उनके धन के भंडारों को सदैव भरते रहें, ऐसा क्या सरल और आसान उपाय हो सकता है? तो प्रिय भक्तगणों, वैदिक धर्म के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों में जो सबसे आसान जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मंत्रों के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर उस ग्रह को स्वयं प्रसन्न करें। दूसरा तरीका है उस ग्रह से संबंधित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किया हुआ रतन की अंगूठी आप धारण करें। अगर आप पूजा करने का रास्ता चुनते हैं तो आप स्वयं पूजा करें, भगवान और आपकी पूजा के बीच में कोई एजेंट पीले कपड़े पहन के हमारे जैसा क्यों क्या करेगा? लक्ष्मी जी आपको चाहिए, देवी लक्ष्मी माता ने या विशेष ग्रह देवता ने जो आपकी कुंडली में वहां बैठे हुए उस स्थान पर, तो आप या तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर ले, बहुत आसान तरीका है, या दूसरा तरीका है उस ग्रह देवता को जो इस जन्म में आपको लक्ष्मी देने के कारक बने हुए, उन ग्रह देवता को प्रसन्न कर ले। अब लक्ष्मी जी को या ग्रह देवता को प्रसन्न करना है तो उनके लिए आपको मंत्रों से उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनको साधना पड़ेगा। अगर आप उनको साध लेते हैं, पूजा से उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस ग्रह देवता को या माता लक्ष्मी को आपके धन के भंडारों में वृद्धि करने के लिए वैकुंठ से आना ही पड़ेगा, यह अटल सत्य है। तो हम चर्चा कर रहे थे कन्या लग्न के व्यक्तियों के बारे में, कन्या लग्न के व्यक्ति ऐसा क्या करें जिससे उनके धन धान्य के भंडारों में वृद्धि हो। कन्या लग्न व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में कन्या लग्न है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए? कन्या लग्न वाले व्यक्ति अगर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार विशेष वजन का मोती, असली मोती, एवं अगर उनकी जन्म कुंडली में आमदनी के और भी कारक ग्रह हैं, तो उन कारक ग्रहों को भी मजबूत अवश्य करना है, तो उनके लिए भी आप उनसे संबंधित ग्रहों की अंगूठियां धारण कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन धन की कमी नहीं होगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, आपका हाथ दाता का हाथ बनेगा। तो आप मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर, जो कि किसी योग्य विद्वान ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जिसे कि इनको जागृत करने का ज्ञान हो, जिन्होंने इन मंत्रों की साधना 5.25 लाख मंत्रों से पूरी कर रखी हो और नित्य कम से कम एक माला मंत्रों की, हर नवग्रह देवता के मंत्र की पूरी करते हो, वह व्यक्ति आपकी अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने में समर्थ होता है। वरना तो ज्यादातर मंदिर में बैठने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मंत्रों का ज्ञान नहीं। अगर हम सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करके उनकी विधिवत मंत्र और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी हर अंगूठी
आपको शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। तो मैं चर्चा कर रहा था, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई के संबंध में परेशान हो, बच्चों के ना पढ़ने से परेशान हो, या बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते इस विषय में परेशान हो, या संतान होने ना होने की वजह से परेशान हो, या पुत्र संतान ना होने से परेशान हो, या कन्या संतान ना होने से परेशान हो, उसे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही हो, या फिर उसकी शादी नहीं हो रही हो, शादी में देर हो रही हो, शादी होने से पहले ही टूट जाती हो, या बॉस से परेशान हो, प्रमोशन से परेशान हो, सरकारी नौकरी की इच्छा रखता हो, या उसे धन लाभ नहीं हो रहा है, व्यापार फेल हो रहा है, शत्रु बहुत है, या बॉस बहुत परेशान करता है, सास बहू के बीच की अड़चन है, माता पिता के बीच की अड़चन है, भाई बहनों के बीच की अड़चन है, या अपना मकान नहीं है, या अपना व्यापार स्थल नहीं है, किराए दे दे के परेशान हो रहा है, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर जाकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल बुक करें, या वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाकर वीडियो कॉल बुक करें। हमारे से बात करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है, उस फीस को पे करने के बाद आप हमसे मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन या अगले दिन आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर, या आमने सामने बैठकर, या खुद चलकर आना चाहें तो उसके लिए भी हमसे टाइम लग के आप आ सकते हैं। तो हम पूरी दुनिया में 133 देशों में हम ये कार्य पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं। पूरी दुनिया के देशी विदेशी लोग हमारे पास अपनी विभिन्न प्रकार की परेशानियों के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए हमारे पास निरंतर आते रहते हैं, और हमसे, हमारे अनुभव से, वैदिक उपायों के आधार पर लाभ उठाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने तो हमें एक पूजा का रास्ता बता दिया और एक अंगूठी का रास्ता बता दिया, इसमें से कौन सा रास्ता चुने? तो मेरे साथियों, जो आपको आसान लगे वह रास्ता चुन के आप धन के भंडारों को प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते दोनों ही आसान है, किसी ग्रह जाप के चक्कर में नहीं फंसना है। मूर्ख बनाने वाले इंसान के पास चले जाए, जी आप मेरी जगह ये पूजा कर दो, ऐसा नहीं करना है। और आज आप कह रहे हो मैं अंगूठी नहीं पहन सकता, क्यों? मैं तो, मुझे तो अजीब सा लगता है। अरे भाई, आज आपको मौका मिल रहा है, पुराने जमाने में तो सिर्फ राजा और महाराजा ही अंगूठियां रत्नों की धारण किया करते थे। आज अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा खुदाई करने की वजह से हम जमीन में बहुत गहरे खुदाई कर पाते हैं, जिससे हमें प्रचुर मात्रा में पुखराज, नीलम, पन्ना, रूबी, हीरा इत्यादि की प्राप्ति होने लगी है, और वह आपके बजट के अनुसार बाजार में उपलब्ध भी है। अगर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, तो आज पन्ना जो है, एक काम चलाऊ पन्ने की अंगूठी 4-5 हजार रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की आती है। अब आप अपने बजट के हिसाब से पहन सकते हैं। नीलम की अंगूठी भी 5 हजार रुपए से लेके आपको 20 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। पुखराज की अंगूठी भी 5 हजार रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। रूबी की अंगूठी भी 5 हजार रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की आपको मिल जाएगी। अच्छी मोती की अंगूठी 2-2.5 हजार रुपए की बहुत आराम से मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये तो आपके बजट में आ जाएगा। और यह अंगूठी भी अगर हम जैसे यहां, हमारे यहां से आप मंगवाते हैं, तो हम आपको यह मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा और जागृत करवा कर ही प्रदान करेंगे। लेकिन बस खाली इसमें एक ही अड़चन है कि हमें देखना पड़ेगा कि आपको जन्म कुंडली के अनुसार क्या सूट करता है, कौन सा रतन सूट करता है, कौन से रंग का रतन सूट करता है, और उसकी कम से कम क्या कीमत हो सकती है। अगर रतन भी की अंगूठी आपको महंगी लगती हो, नहीं कर पाते हो, तो आप उपरतन को पहन सकते हैं, उपरतन की अंगूठी भी फायदा करेगी। तो बहुत सारे भाई लोग सोचते हैं, बहुत सारे भक्तगण सोचते हैं, हे गुरुजी हम कैसे पहनेंगे? अरे भाई, अमिताभ बच्चन पहनता है, अभिषेक बच्चन पहनता है, ऐश्वर्या राय पहनती है, रानी मुखर्जी पहनती है, शिल्पा शेट्टी पहनती है, शाहरुख खान पहनता है, सलमान खान पहनता है, वर्तमान के राष्ट्रपति भी आप अगर देखेंगे उनकी फोटो गूगल पर तलाशेंगे तो वो भी पहनते रहे हैं, पूर्व वाले राष्ट्रपति भी पहनते रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी पहनते रहे हैं, आप
गूगल में देखेंगे तो बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे कि उनके हाथ में अंगूठियां हैं। हमारे गृह मंत्री भी पहनते रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री भी पहनते हैं, हमारी विदेश मंत्री भी पहनती हैं, हमारी कपड़ा मंत्री भी पहनती हैं, और तो और हमारे मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहनते हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी भी पहनती रही है। तो मेरे भाई, अगर यह सभी व्यक्ति अगर अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अगर एक या अधिक अंगूठियों को धारण करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं या जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब का पुराना फोटो देखिए। इस फोटो को देखकर क्या आपको लगता है कि यह व्यक्ति किसी दिन भारत का एक महत्वपूर्ण हस्ती बनेगा? नहीं, कोई भी व्यक्ति इस फोटो को देखकर यह नहीं कह सकता। मगर वह तो आज प्रधानमंत्री की पद से भी बहुत ऊपर उठकर उन्होंने कार्य किया है, जहां देश विदेश में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा उनको सम्मानित किया गया है मित्र के रूप में, और उनके द्वारा उनकी प्रशंसा हुई है, चाहे वे अमेरिका के राष्ट्रपति ने की हो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने की हो, जापान के राष्ट्रपति ने की हो, चाइना के राष्ट्रपति ने की हो, या अन्य किसी राष्ट्रपति ने। क्या इस व्यक्ति ने 30-35 साल पहले का या 25-30 साल पहले का यह फोटो है, तब किसी व्यक्ति ने कल्पना की थी कि यह व्यक्ति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री होंगे? अचानक से एक दिन ऐसा नहीं हो गया। इन्होंने कुछ ना कुछ तो उपाय किए होंगे अपने भाग्य को उठाने के लिए, कर्म के साथ साथ, क्योंकि कर्म तो प्रधान है, लेकिन कर्म के साथ भाग्य का अति महत्व है। भाग्य के साथ आमदनी भी जुड़ी हुई है, और इन सबसे पहले महत्व है हमारे लगन का। अगर हमारी लगन उत्तम है, अगर हमारी लगन मजबूत है, तो हम छोटे छोटे उपाय करके हम बहुत अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो जब एक आम व्यक्ति इस गरिमामयी पोस्ट को प्राप्त कर सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, तो मेरी प्यारी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले भक्तगण, आप भी तो प्रयास कर सकते हैं अपनी धन की कमी को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।